हॉली सिंह वर्सेस बादशाह वन ऑफ द ओल्डेस्ट बीफ ऑफ DHH। और कुछ टाइम पहले ही मैंने हनी पाजी और बादशाह भाई के ऊपर एक वीडियो बनाया था और इनके डुओ को वन ऑफ द क्लासिक DHH डुओ बताया था। और उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि काश फ्यूचर में हमें ये दोनों रैपर्स साथ में काम करते हुए दोबारा से नजर आए, पर ऐसा लग रहा है कि ये होना अब मुश्किल है क्योंकि हनी पाजी की कल ही एक इंटरव्यू आई है CNN न्यूज 18 में, जहां पे उन्होंने बादशाह भाई के बारे में बात किया है और ये बोला है कि बादशाह भाई जो है वो हनी पाजी के दोस्त नहीं है। मेरा तो उससे लेना देना नहीं है, मैं तो उसको कहीं कंसीडर ही नहीं करता। सो वी ऑल नो कि पिछले एक दो सालों में हमें हनी सिंह और बादशाह की बीफ पीक पे देखने को मिले हैं। वो अलग बात है कि जितना हनी सिंह और बादशाह आपस में नहीं लड़े हैं, इनके फैंस के बीच उससे ज्यादा लड़ाई हुई है। ओके, इस वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। सुन के जा हूं देसी गीता बिच गोंदे जदो मैं सुन के जा हूं देसी काल जिया चाग लाउंदे जदो मैं सुन के जा हूं देसी मेरी यान गोंदे जदो मैं सुन के जा हूं देसी लिखणे उते आउंदे जदो दिन रात। So, गाने का नाम है Error 404 और आर्टिस्ट है चिराग। So, भाई की साइड से हमें एक बढ़िया सा ड्रिल ट्रैक देखने को मिला है। गाने की एनर्जी बहुत ही तगड़ी है, म्यूजिक वीडियो इज लुकिंग रियली गुड एंड ओवरऑल सॉन्ग इज रियली गुड। ठीक है, सो अगर स्निपेट पसंद आया जाकर पूरा ट्रैक चेक करना और मेरी तरफ से जाके भाई को कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार देना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट, सो हिम सम लव। It all started with Gone Girl, जहाँ पे बादशाह भाई ने हनी पाजी को डिस किया था। फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। और बादशाह भाई के इस गाने की वजह से ही हनी पाजी के कमबैक वाली डिबेट जो है वो स्टार्ट हो गई थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये बीफ और भी ज्यादा एस्केलेट होने लग गए। और इसके बाद हमें बादशाह भाई का भी एक इंटरव्यू देखने को मिला था, जहाँ पे उनसे ये सवाल पूछा गया था कि उन्होंने हनी पाजी को डिस क्यों किया। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसा रिप्लाई किया था। बादशाह आपने लिखा एक था अपना भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था जो हो गई लड़ाई। कौन सा भाई, किसकी याद आई? ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। आपने फिर उनके लिए ये भी लिखा था इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन जिससे आपकी इतनी दोस्ती इतना रिलेशन रहा उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना क्या सर? इतना तो हक बनता ही है, इतनी तो नोकझोंक तो बनती है। मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। वहां पे बादशाह भाई ने हनी पाजी को अपना भाई बताया था। इसके बाद एज वी ऑल नो इवन एमवी बंटाई और बादशाह की भी बीफ होती है। एमवी बंटाई अपने ट्रैक किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप में बादशाह को डिस करते हैं। रीजन तुम लोग को ऑलरेडी पता है। और एक तरफ एमवी बंटाई और हनी पाजी की अलायंस भी साथ में क्रिएट हो गई थी और हमें एक गाना भी देखने को मिलता है जिसका नाम था गुड बॉय। जिस ट्रैक में हमें एमवी के साइड से बादशाह भाई के ऊपर सबलिमिनल्स देखने को मिले। एंड गेस व्हाट, उस ट्रैक को प्रोड्यूस किसने किया था? यो हनी सिंह ने। इसके बाद बादशाह का अवेटेड एल्बम एक था राजा ड्रॉप होता है, जिसके मल्टीपल सॉन्ग्स में बादशाह ने हनी पाजी के ऊपर फिर से शॉट्स लिए। और फिर इसके बाद फाइनली हनी पाजी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और हनी पाजी के साइड से बादशाह के अगेंस्ट उनके एक कॉन्सर्ट में हमें ये सुनने को मिला। लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। मैं क्यों रिप्लाई करूं, तुम लोग ऑलरेडी उसकी गांड में बाजू दे रखी। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि टाइम के साथ ये जो बीफ है ये और भी ज्यादा सीरियस होता जा रहा था, बट रिसेंटली फ्रॉम नोवेयर बादशाह ने अपने कॉन्सर्ट में इस बीफ को अपने साइड से खत्म कर दिया। एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पीछे इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मेरी लाइफ का एक फेज था जहां पे मैंने ना बहुत एक इंसान के साथ ग्रज रखी अभी तक, बट I want to leave it behind. And that's Hani Singh. Meri life ka phase tha when I was unhappy because of whatever reasons, kuch misunderstandings thi. Lekin mujhe realize ho gaya ki jab hum dono ikatthe the na, jodne wale bahut kam the, todne wale bahut kam. So today I just want to let you all know that I have left that phase behind and I wish him all the best, wish him all the success.
और इसके बाद DHH ऑडियंस हनी पाजी के फैंस ये वेट कर रहे थे इसके लिए हनी पाजी के साइड से हमें क्या रिप्लाई देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली हनी पाजी ने रिप्लाई किया है बट दिस रिप्लाई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. हनी पाजी कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आती लोगों क्यों बोलते हैं कि हनी सिंह बादशाह की लड़ाई. यार मेरे को इनकी बात ही नहीं समझ में आती. मैंने आज तक किसी के बारे में बोला कुछ तो लोग बोलते हैं ना कि फॉल आउट हुआ या ये हुआ या जो भी हुआ. दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो उसे लड़ाई बोलते हैं. तो बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं आती लोग क्यों बोलते हैं कि हनी सिंह बादशाह की लड़ाई. एक आदमी मेरे लिए पता नहीं कितने साल तक बोलता रहा, अब उसने स्टेज पर माफ़ी मांग ली तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में. मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं. मैं तो उसको कहीं कंसिडर ही नहीं करता. Really? Don't you want to? You're just now in 40s. Don't you want to just now? No, he was never my friend. तो कोई दोस्त होता मेरा और हमारे बीच में कोई बात हो गई होती तो बात अलग थी. वो अपने उसने खुद स्टेज पे शायद मैंने तो सुना भी नहीं वो वीडियो, लेकिन कह रहे हैं कि उसने स्टेज पे खुद बोला कि उसकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरे बारे में कुछ सोचता था उसके उस ख्याल से मेरे बारे में. तो उसका अपनी सोच थी, उसके अपने ख्याल से उसको कई सालों बाद उसका रियलाइजेशन हो गया. बहुत अच्छी बात है. भोलेनाथ उस पे और दया करे और कामयाब हो. हनी पाजी ये बोलते हैं कि बादशाह ने हनी सिंह के अगेंस्ट कितने सालों से चीजें बोली है, उन्हें स्नीक डिस किया है, उनके ऊपर शॉट्स लिए हैं और फिर उन्होंने सडनली स्टेज पे माफी मांग ली. और फिर इसके बाद हनी पाजी बोलते हैं कि उनका बादशाह भाई से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो बादशाह को कहीं कंसिडर ही नहीं करते. हनी पाजी बादशाह को अपना दोस्त मानने से भी मना कर देते और बोलते हैं कि अगर वो मेरा दोस्त होता तो शायद मुझे इन बातों का बुरा लगता और मैं कंसिडर करता कुछ रिप्लाई देने के लिए, कुछ आंसर देने के लिए. पर बादशाह उनके दोस्त ही नहीं है तो वो इसलिए इस चीजों को वो कंसिडर नहीं कर रहे. सो जब मैंने हनी पाजी का ये इंटरव्यू देखा, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हनी पाजी इतना रॉ जवाब दे देंगे. लाइक तुम जब भी देखो कोई भी रैपर से जब सवाल पूछा जाता है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो रैपर सुगर कोट करते हैं कहीं ना कहीं. बट यहाँ पे ब्लंटली हनी पाजी ने जो उनके मन में था या दिल में था वो बोल दिया. चलो जो भी है, तुम लोगों की क्या ओपिनियन है इसके ऊपर तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो. इस इंटरव्यू से एक चीज तो क्लियर हो गई, जो हम सपना देख रहे हैं कि हमें माफिया मुंडी एक साथ फिर से देखने को मिलेगा, शायद वो अब उम्मीद कम ही है कि देखने को मिले. इसके साथ साथ हनी पाजी इस इंटरव्यू में करण औजला के बारे में भी बात करते हैं और करण औजला को अप्रिशिएट करते हैं. टुडे आई थिंक इज अ टाइम फॉर करण औजला. इफ नो, करण औजला इज अमेजिंग. ही इज अ हसलर. हसलर है वो है जो रेगिस्तान में भी कुआं खोद के पानी निकाल ले. वो इतना मेहनती आदमी है, उसको मैं कई सालों से देख रहा हूँ. डू यू सी अ लिटिल बिट ऑफ योयो हनी सिंह इन हिम? लाइक नो, ही इज बेटर देन मी. रियली? ही इज डेफिनेटली बेटर देन मी. बहुत वाइज है वो, यहाँ से बहुत इंटेलिजेंट है. मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह. भाई है मेरा. इस फुल इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग जाके पूरे इंटरव्यू को चेक कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. आज का वीडियो हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे. बाकी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ. इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट में शेयर कर सकते हो. बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट. थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट.